नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी के फेसबुक पेज से मैं लाइव हूं। हमने एक बजे का वक्त दिया था कि इस मसले पर, जो बहुत गंभीर मसला है, इस पर आपसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला क्या है ये बताने की कोशिश करेंगे। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है, इसलिए हमने थोड़ी सी इस पूरे मामले में देरी की ताकि सारे मामलों की पड़ताल करके सारे तथ्य आपके सामने रख सके। आज का मुद्दा यह है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस यौन शोषण के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच की आपात बैठक होती है और सुनवाई होती है, और उसमें जस्टिस रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि यह आरोप बेबुनियाद है। हमारा आज का सवाल बहुत स्पष्ट है, अगर इस महिला के आरोप सही हैं, तो बाकायदा इसकी जांच हो और कार्रवाई होनी चाहिए और जस्टिस गोगोई को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अगर जो बात जस्टिस गोगोई ने खुली अदालत में कहा है कि एक बहुत गंभीर साजिश है और कुछ बहुत पावरफुल लोगों ने जुडिशरी को अस्थिर करने की कोशिश की है, यानी ये आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और ये जुडिशरी न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश है। हम इस मसले पर किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। महिला ने अगर कोई आरोप लगाया है तो उसके तथ्यों की पड़ताल मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर देश के मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर खुली अदालत में कहता है कि ये आरोप बेबुनियाद है, तो उसको भी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इस मामले को आगे बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि 19 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 22 जजों को एक महिला ने, जो मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी, उन्होंने एफिडेविट देकर एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में बहुत संगीन आरोप लगाया है। संगीन आरोप यह लगाया है कि जस्टिस गोगोई ने अपने निवास के ऑफिस में उनका यौन शोषण करने की कोशिश की है। यौन शोषण का आरोप बहुत गंभीर आरोप। उन्होंने काफी डिटेल्स अपनी चिट्ठी में उसका वर्णन किया है, हम उस डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जा रहे, लेकिन अगर किसी महिला ने किसी व्यक्ति पर अगर आरोप लगाए हैं तो उसको हमें गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इसलिए जैसे ही यह खबर आई, पूरे देश के अंदर एक सनसनी फैल गई, तमाम तरीके की अटकलें लगी और सबको इस बात का इंतजार था कि आखिर मुख्य न्यायाधीश महोदय, जिनके ऊपर यह आरोप लगा है, वो क्या कहते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जवाब आया। रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है, गलत है और सुप्रीम कोर्ट की साख को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। यानी महिला, उनके कहने के मुताबिक महिला ने झूठ बोला है और झूठे आरोप लगाए हैं। लेकिन यह खबर जैसे ही पब्लिक हुई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में एक आपात बेंच गठित की और इस पूरे मामले पर सुनवाई की। 3 जजों की बेंच थी, उसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई खुद, जस्टिस खन्ना और जस्टिस मिश्रा, अरुण मिश्रा, वो भी इस बेंच का हिस्सा थे। और इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस रंजन गोगोई ने जो कहा है वो बहुत गंभीर है, और मैं जो उन्होंने कहा है मैं आपको वर्बेटिम पढ़ के सुना देता हूं। हालांकि बात उन्होंने अंग्रेजी में कही है,
मैं उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने रखता हूं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, खुली अदालत में कहा है कि इन आरोपों से वो बेहद दुखी हैं। फिर उन्होंने कहा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा है, जो आरोप है वो अविश्वसनीय है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस स्तर पर या इतना नीचे गिर के मुझे इस आरोप का जवाब देना चाहिए। उसके बाद जस्टिस गोगोई जो बात कह रहे हैं वो और ज्यादा गंभीर है। जस्टिस गोगोई ने खुली अदालत में कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बेहद, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया, वेरी वेरी सीरियस, यानी बहुत बहुत, दो बार तीन बार उन्होंने सीरियस शब्द का इस्तेमाल किया है, बेहद बेहद गंभीर खतरा है और यह न्यायपालिका को अस्थिर करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। और बातचीत करते करते अपना पक्ष बात कहते कहते अदालत के अंदर उन्होंने कहा कि यह आरोप उन पर तब लगे हैं जब अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वो करने जा रहे हैं। जस्टिस गोगोई ने कहा है कि अगले हफ्ते वह कुछ अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने जा रहे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, यानी सार्वजनिक हित में है। अगर आप इन दोनों चीजों को जोड़कर देखें तो बात बहुत संगीन हो जाती है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जो महिला ने जो आरोप लगाए हैं, जो 22 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एफिडेविट लिखकर कवरिंग लेटर के साथ जो चिट्ठी गई है जिसमें ये संगीन आरोप यौन शोषण के लगाए गए हैं, उस पर उनका कहना ये है कि मैं इन आरोपों से बहुत दुखी हूं, मैं इस स्तर पर जाके इसका जवाब नहीं दे सकता। किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो वो इस तरीके की बातें करता है, इसको हमें इस नजरिए से भी देखना चाहिए। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि मैं अगले हफ्ते कुछ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने जा रहा था और उसके ठीक पहले ये आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं, तो ये मामला बहुत 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 गंभीर हो जाता है। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि आने वाले गंभीर मसलों पर वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए स्वतंत्र सुनवाई करें या उस पर कोई फैसला दें। मैं इस अटकल में नहीं जा रहा हूं कि अगले हफ्ते वो किन मामलों की सुनवाई करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का खुलासा भी नहीं किया है, इस बात का विवरण भी नहीं दिया है, इसलिए हमको उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश ये कहते हैं कि अगले हफ्ते कुछ महत्वपूर्ण मामलों की मैं सुनवाई करने जा रहा था, तब ये आरोप लगे हैं, और उस संदर्भ में वो कहते हैं कि न्यायपालिका को अस्थिर करने का एक बड़ा षड्यंत्र है, तो बात आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी, कितनी गंभीर और कितनी संगीन बात है और कितनी सनसनीखेज है। मैं कोर्ट में मौजूद नहीं था, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं संवाददाताओं के जरिए, उन्होंने कहा है कि जस्टिस गोगोई ने मजबूती के साथ ये कहा है कि मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा और बिना डर के अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। जस्टिस गोगोई ये बात कहते हुए थोड़े भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में कुल 6.8 लाख रुपए हैं, यानी उनके कहने का मतलब यह कि मैंने ताउम्र पूरी जिंदगी बहुत ईमानदारी के साथ फैसले लिए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। वो ये भी कहते हैं कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 6.8 लाख रुपए हैं और जबकि मेरे दफ्तर में काम करने वाले चपरासी के अकाउंट में इससे ज्यादा पैसे हैं। फिर भावुक होकर कहते हैं कि 20 साल नौकरी करने के बाद
क्या मुझे यह पुरस्कार दिया गया है? और उसके बाद एक बड़ा सवाल, एक और बहुत बड़ा सवाल जस्टिस गोगोई खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस तरीके के हमले होंगे, यानी वो बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि उन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप बेबुनियाद हैं, गलत हैं और किसी बड़े मकसद से उन पर षड्यंत्र के तहत ही आरोप लगाए गए हैं। और इस संदर्भ में वो कहते हैं कि अगर इस तरीके के हमले हम पर होंगे तो कोई जज किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में या कहीं और फैसला नहीं दे पाएगा। यानी उनके कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि उन पर दबाव डालने के लिए, उनकी छवि को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो अपने विवेक के हिसाब से कुछ मामलों का निपटारा करें। जाहिर सी बात है, ऐसे लोग ये चाहेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से फैसला करे जिस तरीके से ये शक्तिशाली लोग चाहते हैं कि उनका, उनके मन के मुताबिक फैसला किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा ही, जस्टिस गोगोई फिर खुली अदालत में कहते हैं, प्रतिष्ठा ही हमारी एकमात्र पूंजी है और उस पर भी हमला हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर में काम करने वाला हर कर्मचारी के साथ निष्पक्षता के साथ, इज्जत के साथ उसके साथ व्यवहार होता है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो कर्मचारी है ये सिर्फ 1.5 महीने के लिए उनके दफ्तर में थी। उन्होंने ये मना नहीं किया कि महिला इन उनके दफ्तर में नहीं काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि काम कर रही थी लेकिन सिर्फ 1.5 महीने काम कर रही थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो जस्टिस गोगोई को अस्थिर करना चाहता है, उनके उनसे मनमाफिक फैसला कराना चाहता है। जस्टिस मुख्य हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगवाना किसी मामूली आदमी के बस की बात नहीं है, हमारे आप जैसे आदमियों के बस की बात तो है ही नहीं। इसका मतलब यह कि कुछ बहुत शक्तिशाली लोग होंगे, बहुत ताकतवर लोग होंगे, उनके पास बहुत ताकत होगी। जस्टिस गोगोई ने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया है, ना इस बात का कोई हिंट दिया है कि वो कौन लोग हैं। क्या वो राजनीतिक दलों से संबंधित लोग हैं? क्या वो सरकार में बैठे हुए लोग हैं? क्या कोई बहुत पूंजीपति, बहुत पैसे वाला लोग है, वाले लोग हैं? क्या वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल, कोई बहुत बड़ा माफिया है? क्या उन लोगों ने इन महिला को प्रेरित किया है? ये सोर इशारा करते हैं। मैं एक बार फिर कह दूं, पूरी संजीदगी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ, कि एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, इन आरोपों को ऐसे ही नहीं टाला जा सकता, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि अगर यह जांच हो और आरोप सही पाए जाएं तो मुख्य न्यायाधीश को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। महाभियोग लगा के उनको हटाया जाना चाहिए या फिर उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद जो भी क्रिमिनल कार्रवाई होती कानून के हिसाब से वो उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन अगर जांच में ये आरोप गलत पाए जाते हैं तो जो बात रंजन गोगोई कह रहे हैं वो एक तरीके से हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बुनियाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की एक कोशिश है। आज तक कम से कम मेरी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ, हिंदुस्तान के कई जजेस के ऊपर, हाईकोर्ट के जजेस के ऊपर, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने किसी महिला के साथ छेड़खानी की, किसी महिला ने उन पर यह आरोप लगाए थे, उन पर कार्रवाइयां भी हुई है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश पर आज तक इस तरीके का कोई आरोप नहीं लगा है। मुख्य न्यायाधीश उसी तरीके से न्यायपालिका के शीर्षस्थ पुरुष हैं जैसे हिंदुस्तान की सरकार में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री शीर्षस्थ पुरुष होता है, या संसद के अंदर संसद के स्पीकर महोदय शीर्षस्थ पुरुष होते हैं। जैसे सरकार के स्तर पर
राष्ट्रपति शीर्षस्थ पुरुष होते हैं। और हिंदुस्तान का संविधान बहुत स्पष्ट है, वो सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पे काम करता है, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों के अलग अलग क्षेत्र हैं। ये तीनों एक दूसरे को रिपोर्ट नहीं करते, और इसलिए किया गया है ताकि इनमें से कोई एक संस्था अगर अधिनायकवादी हो जाए, डिक्टेटोरियल हो जाए, तो बाकी की संस्था उस पर अंकुश लगाए। तो न्यायपालिका का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संसद से जो भी कानून बनता है उस कानून की पड़ताल करने का, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, और वह संसद में बने कानून को निरस्त कर सकती है, सरकार के लिए गए फैसले को वह निरस्त कर सकती है, सरकार को अपने फैसलों के आधार पर आदेश दे सकती है कि आप इस काम को करें। और इस देश के अंदर अभी तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने की हिम्मत नहीं हुई है। हर व्यक्ति अदालत के फैसले का सम्मान करता है, उसकी आलोचना भी होती है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं अदालत का फैसला नहीं मानूंगा, और जो मानता है, जो नहीं, जो ऐसा करता है, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है। तो ऐसे में आज जो ये आरोप लगे हुए हैं, मेरा अपना मानना यह है और सत्यहिंदी.com का यह मानना है कि इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया इस लिहाज से कि फौरन इस मैटर को उन्होंने अपने पास लिया है, एक स्पेशल बेंच गठित की गई है, आपात सुनवाई इस पूरे मसले पर हुई है, और आपात सुनवाई के दौरान उन्होंने, जस्टिस गोगोई ने अपनी बातों को जनता के सामने किया है, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि जस्टिस गोगोई क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, उन्होंने ठीक काम किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शक के दायरे से वो बरी हो गए। कोर्ट ने आज ये भी कहा, जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने आप को रिक्यूज किया, बाकी के दो जजेस ने, जस्टिस खन्ना ने और जस्टिस मिश्रा ने कहा है कि मीडिया इस पूरे मामले को पूरी संजीदगी के साथ रिपोर्ट करे। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को संजीदगी के साथ रिपोर्ट करे। अदालत का यह फैसला आने के बाद हम उससे बंधे हुए हैं, और जैसे हमको इस बात की जानकारी मिली है, हम उस संजीदगी के साथ इस मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम आपको वो जानकारियां नहीं दे रहे हैं जो एफिडेविट में उस महिला ने आरोप लगाए हैं, जो शारीरिक उत्पीड़न का जो आरोप लगाया है, जो उन्होंने विवरण दिया है, उसका हम नहीं कर रहे। लेकिन उनके पति के साथ क्या हुआ, उनके देवर के साथ क्या हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, और कैसे उनको उनके घर ले जाकर उनके नाक रगड़वाया गया, ये चीजें हमने जरूर उसमें डाली। मुझे लगता है कि इन सब चीजों में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन जो जहां चारित्रिक हनन होता है, जो डिस्क्रिप्शन था, वो हमने अलग कर दिया है। दोस्तों, एक गंभीर मसला है, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, और बहुत सारे मामले हैं इस वक्त देश के अंदर। चुनाव चल रहा है, चुनाव में बहुत तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं। राफेल का मुद्दा है, जिसकी फाइल एक समय सुप्रीम कोर्ट ने लगभग बंद कर दी थी, कुछ द हिंदू अखबार ने कुछ नए खुलासे किए हैं, और उन खुलासों की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई करने का प्रावधान भी किया। यह मसला बहुत बड़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक फिल्म बनी है, उस पर भी सुनवाई हो रही है। राहुल गांधी ने जो राफेल के मसले पे चौकीदार चोर है वाली बात कही थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उस पर भी जो है सुनवाई अगले हफ्ते होनी है, या आने वाले समय में होनी है। इन सब चीजों का बहुत असर पड़ने वाला है देश के चुनाव के संदर्भ में। हमारी नजर लगातार इस पूरे मसले पर बनी हुई है, और जैसे हमको और जानकारी मिलेगी, हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन अंत में मैं आपसे जरूर ये गुजारिश करूंगा, सत्यहिंदी.com एक ईमानदार कोशिश है, और इस कोशिश यह है कि हम पत्रकारिता को इस देश में नए सिरे से ईमानदारी के साथ स्थापित कर पाए। इसलिए आप YouTube चैनल पे जाइए, हमको सब्सक्राइब करिए, हमारा YouTube चैनल, उसको सब्सक्राइब करिए सत्यहिंदी.com के नाम से। हमारा जो Facebook पेज है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। हमारा जो न्यूज़ पोर्टल सत्यहिंदी.com, वहाँ पर जाएं, वहाँ पे खबरें पढ़ें, आपको बाकी के पोर्टल से बिल्कुल अलग नए तरीके की खबरें आपको मिलेंगी। ये मैं आपसे वायदा करता हूँ, ये मैं आपसे दावा करता हूँ।
और अगर उसमें कहीं कुछ गलती है तो आप हमारे हमारे संज्ञान में लेकर आए, हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। हम इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमको बल मिलेगा। आप लोगों का लगातार सहयोग हमें मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। लेकिन ये मसला बहुत गंभीर है, इसको पूरी संजीदगी के साथ आप भी सोचिएगा, हम लोग भी सोचेंगे, जैसे कुछ और जानकारी मिलेगी आप बताने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर महोदय कह रहे हैं कि एक दो सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से आए हैं, मैं वो सवाल एकाक जो है उन्होंने कहा है कि जैसे एक अंकित डंगवाल नाम के सज्जन है जिन्होंने कहा है कि सर क्या राफेल से इसके तार जोड़ सकते हैं। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैंने कहा कि राफेल का मसला भी है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के बायोपिक का मसला भी है, राहुल गांधी ने जो टिप्पणियां की थी उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला भी, और भी बहुत सारे मामले हो सकते हैं। जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने किसी तरीके से कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि कुछ गंभीर मामलों की सुनवाई अगले हफ्ते करने वाले थे और ऐसे मौके पर आरोप लगे तो वो जरूर इस ओर हिंट कर रहे हैं कि उनके जजमेंट को, उनके फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कहीं ना कहीं इसके जरिए की गई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग तमाम बातें लिख रहे हैं, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, मैं उस कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाना चाहता, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पद पर बैठे हुए बड़े पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जस्टिस महोदय ने भी इस ओर कोई इशारा नहीं किया है। और एक सज्जन और है बालचंद्र नागरधने जिन्होंने कहा है कि क्या राफेल पे कुछ होगा, अब ये तो अदालत का मामला है, अदालत इस पे तय करे। मैं तो अदालत नहीं हूँ, ना मैं जज हूँ, जज को जज ने अदालत ने पहले फैसला किया था कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। नई जानकारियाँ आई हैं, हिंदू अखबार के कुछ नए खुलासे हुए हैं, लेमोंट अखबार जो फ्रांस का उसने कुछ नए खुलासे किए हैं, उसकी रोशनी में दोबारा सुनवाई हो रही है। जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ जवाब दिया जाएगा और उन जवाबों की रोशनी में जो है उस पर अगर अदालत को लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है तो उस हिसाब से फैसला करेंगे, और अदालत को लगता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है तो वो अपने हिसाब से फैसला करिए, उनका विवेक है, और हमें इसमें किसी तरीके का अटकलबाजी का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से हमसे सवाल करते रहें, सवाल पूछते रहें, और हम आपके सवालों को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।